हेलो एवरीवन, मैं हूँ रितु व्यास। आज हम बनाने वाले हैं माउथ फ्रेशनर मीठी सोप, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो इसका टेस्ट माइंड ब्लोइंग। बहुत ही कम समय में इतनी टेस्टी सोप घर पर बनके तैयार हो जाती है। इस सोप को लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए मीठी सोप बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मीठी सोप बनाने के लिए हमने आधा किलो सौंफ लिए। आप देख सकते हैं हमने सौंफ थोड़ी छोटी साइज की ली है। आधा किलो सौंफ के लिए हम आधा किलो शक्कर लेंगे। दो चम्मच हमने घुला हुआ कत्था लिया है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। कत्थे को आप मार्केट से लाकर उसको पानी में उबाल कर इस तरह से कत्थे का पानी बना सकते हैं। चार हमने मीठे वाले पान के पत्ते लिए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से पान के पत्ते किसी भी पान की दुकान पर मिल जाते हैं। पान के पत्ते को हमने छांव में रखकर अच्छे से सूखा लिया है। चार से पांच हमने पान के पत्ते लिए हैं। इसमें हम थोड़ा सा चूना डालेंगे। चूने से हड्डियाँ बहुत ही मजबूत रहती है और आपका डाइजेशन भी बहुत ही अच्छा रहता है। अब हम इन सभी चीज़ों को साइड में रखेंगे। अब हम सबसे पहले सौंफ को हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। एक से दो मिनट के लिए हम इस तरह से कढ़ाई में सौंफ को चलाते रहेंगे। जैसे ही सौंफ में से हल्की हल्की सी खुशबू आने लगती है, उस समय हम गैस को ऑफ करेंगे। इस तरह से ड्राई रोस्ट करने से सौंफ के अंदर की नमी ख़त्म हो जाती है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तीन से चार मिनट के लिए हमने रोस्ट किए, इसमें से बहुत ही अच्छे से खुशबू आने लगी है। आप देख सकते हैं इसका कलर जैसे ही हमने इसको रोस्ट किया हल्का सा चेंज हुआ है। सौंफ को इस तरह से हम बड़े बर्तन में निकालेंगे, जिससे सभी सामान सौंफ में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और इसको जब हम सुखाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से सूख जाएगी। अब हम सबसे पहले कत्थे में इस तरह से चूना मिलाएंगे। चूना हम आधी चम्मच लेंगे। छोटी चम्मच से आधी चम्मच हमने चूना लिया है। चूने को कत्थे के साथ अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। जैसे ही कत्थे में हम चूने को मिक्स करते हैं, कत्थे का कलर चेंज हो जाता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम एक एक चम्मच इस तरह से डालते हुए सौंफ में अच्छे से कत्थे को मिक्स कर देंगे। अब हम हाथ की सहायता से अच्छे से सौंफ में कत्थे को मिक्स करेंगे। दोनों हथेलियों से इस तरह से कत्थे को अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें शक्कर मिक्स कर देंगे। शक्कर का हमने पाउडर बनाया है। आप इसमें मिश्री का पाउडर बना के भी डाल सकते हैं, उससे भी सौंफ का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और गर्मी के मौसम में सौंफ बहुत ही ठंडक करती है। सौंफ में शक्कर के पाउडर को अच्छे से मिक्स करना है। शक्कर अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम इसमें ग्रीन फ्रूट्स कलर मिलाएंगे, जिससे सौंफ दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है। आधी चम्मच हमने ग्रीन फ्रूट्स कलर लिया है। इसमें हम एक चम्मच पानी मिलाएंगे। अब हम इस कलर को इस तरह से सौंफ में डाल देंगे। यदि आपके पास ग्रीन फ्रूट्स कलर नहीं है तो आप इसको बिना कलर के भी बना सकते हैं। कलर डालने से सौंफ दिखने में सुंदर लगती है, बट इससे टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता है। कलर अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम इसके टेस्ट को दो गुना बढ़ाने के लिए इसमें डालने वाले हैं चमन बहार, जिससे सौंफ का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इसमें खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अब हम इसमें एक चम्मच चमन बहार मिलाएंगे। ये सभी चीज़ें मार्केट में आसानी से मिल जाती है। किसी भी मसाले की दुकान पर आप इसको लेकर आ सकते हैं। इस तरह से हम चमन बहार को मिला देंगे। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और सौंफ का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से बन जाता है, जैसा कि आप मार्केट के लेकर आते हैं। सभी चीज़ें सौंफ में अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम इसमें पान के पत्ते डालेंगे, जिनको हमने सुखा कर हाथों से अच्छे से क्रश कर लिया है। फिर से हम सौंफ में इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे।
सभी चीज़ें सूप में अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे गुलाब की पंखुड़ियाँ। इस तरह से हम गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल देंगे। इसमें हमने देसी गुलाब डाला है जिसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। गुलाब की पंखुड़ियों को भी हम अच्छे से सूप में मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें कटी हुई मिश्री डाल देंगे जिससे सूप दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है और मिश्री से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सभी चीज़ें सूप में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको छांव में सुखा देंगे। एक से दो दिन में ये सूप अच्छे से सूख जाती है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें जब भी आप इसको सुखाएं, पंखे में सुखाएं, धूप में आप इसको ना सुखाएं। धूप में सुखाने से इसकी खुशबू भी उड़ जाती है और इसका कलर भी ख़राब हो जाता है। यदि हम इसको छांव में सुखाएंगे तो ये सूप हमारी ऐसी ही रहेगी। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगे। इस तरह से आप घर पर माउथ फ्रेशनर मीठी सूप बनाइए और हमें कमेंट्स करना ना भूलें। आपकी मीठी सूप कैसी बनी है? हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।